University of Patna, and he has been awarded with gold medal today for his treatise on Sociology of Sanitation, Professor Hetukar Jha. Padma Bhushan, Dr. Bindeshwar Pathakji. Manchast, mere samaj shastri mitron. सभागार में उपस्थित सारी विदुषी महिलाएं, विद्वज्जन, मीडिया के लोग, सुलभ परिवार के लोग, मैं तो इंटेलेक्चुअल होने का दावा नहीं करता. मैं तो प्रोफेशनल हूँ. आई एम जस्ट ए प्रोफेशनल. साधारण शब्द में कहें तो मैं अपने को गवार समझता हूँ. कुछ कुछ जो पढ़ते लिखते रहे, देखते रहे. पाठक जी हमारे साथ थे, हम लोग बीए आगे पीछे किए, बीए ऑनर्स. उसके बाद 1968 अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर हो गया दुनिया के लिए. दुनिया का भाग्य बदल गया. और उस 1968 में बिहार के, उत्तर बिहार के एक छोटे से शहर में पाठक जी का एक घटना से साक्षात्कार हुआ. ये घटना से किसी बहुत लोगों का साक्षात्कार हुआ होगा, लेकिन उस घटना की जो संवेदना थी वो इनके मन में घर कर गई और इनके मन में एक वैचारिक क्रांति की उपज हुई. क्रांति थी. उसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि घर छोड़े करीब करीब छूट गया, गांव छूटा, पड़ोस छूटा, संबंधी छूटे, और ये गांधी जी की राह पकड़ व्यावहारिक स्वच्छता की ओर एक अजीब सा, अद्भुत सा संकल्प लेकर के आगे बढ़ पाए. तो वो जो संवेदना थी, जिस घटना ने इनको इनके मस्तिष्क में क्रांति ला दी, वो वैचारिक स्वच्छता की क्रांति थी. और उस वैचारिक स्वच्छता की क्रांति के जरिए ये व्यावहारिक स्वच्छता की ओर बढ़े और गत 40-45 साल से जो साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, वो कोई अपने निर्माण के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं. वो जो वैचारिक क्रांति उठी, उस क्रांति ने एक इनको सूझ दी कि हम अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो क्राइसिस हैं, उसको हम अपने नज़रिए से नहीं देख रहे हैं. हमारे ऊपर जो नज़रिया थोपा गया कॉलोनियल पीरियड में, जो नज़रिया थोपा गया और कॉलोनियल मास्टर्स ने जो दिया कि आप यही नज़रिया से जो देख सकते हैं देख सकते हैं, और उन लोगों ने कितना कुछ मरोड़ कर रख दिया, हिंदुइज्म को मरोड़ कर रख दिया, जातिवाद की बात फैलाई, बहुत सारी बातें आई कालक्रम में. एक बॉटम लेयर करीब करीब समक्ष में आया जिसकी जो क्राइसिस थी उसको हिंदुस्तान की नज़र से, हिंदुस्तान के नागरिक की नज़र से लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे. पाठक जी ने कहा कि 1985 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था और उस समय में लोग तैयार नहीं थे, लेकिन दो साल पहले 2014 में जब इन्होंने किया तो लोग तैयार हुए आए, क्योंकि तब तक में नज़रिया
बदल चुका था, तो व्यावहारिक स्वच्छता की ओर जो इनकी साधना रही है 40-45 साल से, हम इसको दोहराना नहीं चाहते हैं। आप सब लोग विदित हैं, सब लोग जानते हैं, उसके बारे में सारी बातें यहाँ हुई हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी दौरान इनके मन में ये बात आई कि जिस वैचारिक स्वच्छता ने इनको प्रेरित किया व्यावहारिक स्वच्छता की ओर, उस वैचारिक स्वच्छता का सहारा लें और इस अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, स्कैवेंजर्स का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को हम हिंदुस्तान की नज़र से, हिंदुस्तानियों की नज़र से हम देखें, और देख करके तब इसका अध्ययन हो उस क्राइसिस के चश्मे से, अपने चश्मे से, विदेशी चश्मे से नहीं। विदेशी चश्मे को स्वच्छ करना है, वैचारिक स्वच्छता के जरिए उसको स्वच्छ करना है, तभी आप जातिवाद समझ सकते हैं, दलितवाद समझ सकते हैं, तभी आप स्कैवेंजर्स का प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आप अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हैं। कहाँ अनटचेबिलिटी की बात हो रही है? कहीं लोकायत की चर्चा हो रही है? कहीं लोकायत की चर्चा होने नहीं हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश ने उसको कुचल दिया। ब्रिटिश ने हिंदुइज्म को गला तोड़ करके उसे ब्राह्मणिज्म बना दिया, और उसी चश्मे को हम लगाए चले जा रहे हैं। पाठक जी ने उस परंपरा पर आघात किया, और आघात किया, और जिसके फलस्वरूप सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की बात उन्होंने उठाई, विदेशी चश्मा को हटा करके देखने, अपने समाज को समझने की बात पहले भी लोग किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली दफा ये हुआ है, लोग किए हैं, लेकिन वैयक्तिक स्तर पर जो लोग किए हैं, सब अपने वैयक्तिक स्तर पर किए हैं, अपने लेख लिखे हैं, अपने किताब लिखे हैं, जो भी किए हैं, ये पूरा देशव्यापी अभियान ये पाठक जी चलाए। इन्होंने महसूस किया कि ये इतना बड़ा अभिशाप है, इस अभिशाप को बिना देशव्यापी अभियान चलाए हुए नहीं टैकल किया जा सकता है, जिसका असर हुआ, और असर बहुत जोरदार हुआ है। आज के दिन इतने सारे पुस्तकों का विमोचन हुआ है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पर, कल को 50 पुस्तकें आएंगी, 50 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगी, ऐसे बढ़ेंगी। मित्रों, अब पाठी जी के हाथ में एक मशाल नहीं है, सिर्फ व्यावहारिक स्वच्छता का मशाल नहीं है, उनके दूसरे हाथ में वैचारिक स्वच्छता का मशाल है। दोनों हाथ में इनके हाथ, दोनों हाथ में मशाल है, और ये लगे हुए हैं कि दोनों में कल्चरल लैग नहीं हो, और जो आह्वान शुरू किए हैं, जिस आह्वान के चलते ये आज का दिन हम लोग देख रहे हैं, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस दिन का मुबारकबाद माननीय प्रधानमंत्री को देता हूँ, इस दिन का मुबारकबाद मैं अपने डॉक्टर बिंदुसर पाठक को देता हूँ, आप सब लोगों को देता हूँ, हम सब लोग इसके भागी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और इस क्षण को, इस दिवस को मैं नमन करता हूँ, साथ साथ मैं पाठक जी का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया इस दिवस को साक्षात्कार करने के लिए। इन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया, सम्मान किया, सम्मान करते रहे हैं, मैं इसके लिए हर वक्त ऋणी रहूँगा, और जब तक हो सकेगा तब तक इस वैचारिक स्वच्छता के कंटेक्स्ट में मैं लिखता रहूँगा, चाहे वो छोटा लेख हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो किताब हो, बट आई विल कंटिन्यू टू राइट।
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात से मैं खाली आगाह करा देना चाहता हूं पाठक जी को, सब लोगों को। 1945 ईस्वी में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे स्वीडन के, गुनार्ड मिडल, उनको कार्नेगी फाउंडेशन अमेरिका ने दिया प्रोजेक्ट, ये जो वर्ल्ड कैपिटल सिस्टम है उस पर एक आप अपना सर्वे करके दीजिए अमेरिका का। उन्होंने सर्वे करके दिया, कार्नेगी फाउंडेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स उसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कैपिटलिज्म बढ़ रही है और इसके बढ़ने से का एक रिजल्ट ये होगा कि बॉटम लेयर हर वक्त रहेगा, बॉटम लेयर की का विनाश नहीं हो सकता है, उसमें आज ये लोग हैं कल वो लोग होंगे परसों वो लोग होंगे, बट द बॉटम लेयर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मित्रों, 1970 का दशक से वारस्टाइन बहुत नामी गामी हिस्टोरियन हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, उन्होंने काम शुरू किया और देखा कि वर्ल्ड सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम बढ़ रहा है। 1990 के दशक से लेकर के अभी तक वो एक ही चीज पर कह रहे हैं, सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये बॉटम वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम बढ़ रही है दुनिया में, इसकी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है, हर देश इसके पंजे में आ जाएगा, इसके चंगुल में आ जाएगा, और इसके साथ जो बॉटम लेयर है वो बॉटम लेयर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उसको कोई हटा नहीं सकता है। ये बात अवश्य है कि आज एक जात के लोग उसमें हैं, कल दूसरे जात के लोग होंगे, वो जात ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर नीचे लोग आते रहेंगे, लेकिन वो वर्ग रहेगा। वोलस्टाइन के आर्गुमेंट्स इतने जबरदस्त हैं कि कोई उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया, लेकिन हाल साल में एक किताब आई, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी हैं मॉरिस गोदेलियर की एक किताब आई, द एनिग्मा ऑफ गिफ्ट, और एनिग्मा ऑफ गिफ्ट में वो आर्गू करते हैं वही बात, वोलस्टाइन की बात, यहाँ ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? कि आप उन लोगों तक जितना हो सके मदद पहुँचाइए, गिफ्ट पहुँचाइए, जिससे कि वो लोग तरक्की कर सकें, जिंदा बच सकें। ये जो आर्गुमेंट लिए हैं गोदेलियर, ये हमारे भारतीय सभ्यता के आर्गुमेंट है। हमारे भारतीय सभ्यता में एंशिएंट पीरियड से ये चला आ रहा है, इष्टापूर्त की परंपरा। इष्टापूर्त का अर्थ होता है कि धन का दो प्रयोग है, एक कमाने का, एक खर्चा करने का। तो कमाना है धार्मिक रूप से, धर्म के अनुसार, और खर्चा करना है अपने पर भी लेकिन लोगों पर भी। इसीलिए इसका सारे एविडेंस हैं जो एंशिएंट पीरियड से उपलब्ध हैं कि इष्टापूर्त की। पाठक जी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो इष्टापूर्त का कार्यक्रम चल रहा है, और इस इष्टापूर्त को हम पाठक जी से आग्रह करेंगे कि ये बढ़ाते चलें, नहीं तो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम जो बढ़ रहा है वो उस सिस्टम का जो आघात हम लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है उसे हम बच नहीं पाएंगे। मैं उनसे यही अपील करता हूँ। मित्रों, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से पाठक जी को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, सुलभ परिवार की के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जो इन्होंने मौका दिया यहाँ आने के लिए, आप सब लोगों से मिलने के लिए, और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू।